मूवी की स्टार्टिंग में हम प्रोफेसर जोसेफ को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठा होता है और एक फोटो को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि उस फोटो में तीन डॉग्स थे जो कि एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हुए थे कि तभी वहां पर एक ट्रक आता है और उसका ड्राइवर टॉयलेट के लिए बाहर आता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। फिर प्रोफेसर अपनी गन से उस आदमी की तरफ एम करता है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसका पहले का नाम जेनी और दूसरे का नाम लिंडसे होता है। हमें पता चलता है कि वो अमेरिका की रहने वाली थी लेकिन वह ट्रेवलिंग करती रहती थी और हमें पता चलता है कि उन्हें एक क्लब में पार्टी के लिए जाना होता है। फिर वो एक कार रेंट पे लेती और पार्टी वाले लोकेशन पे रात को ही निकल जाती हैं। उन्हें उस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था इसलिए वो अपना रास्ता भटक जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि जंगल के बीच में उनकी कार के टायर का पंचर हो जाता है और वो कार रिपेयर वाले को कॉल करने की कोशिश करती लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं था इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वो उसी कार में बैठ जाती है और किसी के आने का वेट करती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार आती है। वो दोनों उस कार वाले से मदद मांगती है लेकिन वो बुढ़ा इन्हें अकेला देखकर उसकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए वो दोनों अपनी कार को लॉक कर लेती और वो कार फिर से वहाँ से चली जाती है। फिर वो डिसाइड करती कि वो पैदल चलकर वहाँ से निकल सकती हैं और वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाती हैं। फिर उन्हें सामने से घर दिखाई देता है कि तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती और वो दोनों घर तक पहुँचने में पूरा भीग जाती है। फिर वो दरवाजे को नॉक करती। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर जोसेफ बाहर आता है। वो दोनों अपनी प्रॉब्लम उसे बताती और कहती कि हमें बस एक कॉल करना है। फिर प्रोफेसर उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेता है और वहाँ पर जेनी को कुछ अजीब लग रहा था। फिर प्रोफेसर उससे पूछता है कि क्या तुम ट्रेवलर हो, तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। और फिर जेनी प्रोफेसर से कार रिपेयर वाले को फ़ोन लगाने के लिए कहती लेकिन प्रोफेसर उसकी इस बात को इग्नोर कर देता है और वो किचन में पानी लेने चला जाता है और हम देखते हैं कि वो पानी में कुछ मिला देता है। यहाँ पर लिट से उस पानी को पूरा पी जाती है लेकिन जेनी से वो ग्लास नीचे गिर जाता है जिससे कि प्रोफेसर यह देखकर उस पर बहुत गुस्सा करता है और वो टॉवल लेने के लिए घर के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर एक इंजेक्शन में कुछ लिक्विड भरता है और इधर हम देखते हैं कि लिट से अब बेहोश होने लगती है लेकिन जेनी पर उसका असर नहीं हो रहा था। फिर जेनी प्रोफेसर से कॉल करने के लिए बोलती लेकिन वो कॉल करने से इनकार कर देता है और वो वहीं पे इंजेक्शन जेनी की गर्दन में लगा देता है जिससे कि वो भी वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेनी और लिट्से को होश आता है तो खुद को प्रोफेसर के लैब में पाती हैं। वह दोनों बेड से बंधी हुई थी और वहाँ पर वह ट्रक ड्राइवर भी बंधा था जिसे हम स्टार्टिंग में देखे थे। फिर प्रोफेसर वहाँ आता है और वह ट्रक ड्राइवर से कहता है कि तुम मैच नहीं होते इसलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और फिर वह एक जहर का इंजेक्शन उसे लगा देता है जिससे कि वह कुछ ही देर में मर जाता है। उसके बाद वह उसकी बॉडी को अपने बागीचे में दफन कर देता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर किसी जापानी आदमी को बेहोश करके लाता है और उन्हें भी उन दोनों के साथ उसी लैब में बांध देता है। फिर प्रोफेसर उनके सामने आता है और उनके साथ क्या करने वाला है वह बताता है कि वह रिटायर्ड सर्जन है और वह एक पागल डॉक्टर होता है जिसका काम किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना था और कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन करके तीन डॉग्स को आपस में जोड़ दिया था और वह सनकी वही ऑपरेशन इन तीनों के साथ करने वाला था। फिर वो ऑपरेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि सबसे पहले वो उनकी नी के लिगामेंट को निकाल देगा जो कि बोन्स को जोड़ने का काम करती है जिससे कि वो खड़े नहीं हो सकेंगे। फिर वो कहता है कि सी ऑब्जेक्ट के जबड़े दांत और होंठ को निकाल देगा और बी ऑब्जेक्ट के ए के बैक साइड से जोड़ देगा और सी को बी के बैक साइड से जोड़ देगा। वो तीनों को ऐसे जोड़ देगा जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है। वो उनके बैक साइड से उनके मुंह को जोड़ देगा जिससे कि ये होगा कि जब ए खाना खाएगा तो ह्यूमन वेस्ट बनकर बी के मुंह में चला जाएगा और वेस्ट मटेरियल बी से सी में चला जाएगा। ये सोचने में इतना गंदा लगता है जो कि कोई नॉर्मल इंसान ये ऑपरेशन नहीं कर पाता लेकिन ये सनकी होता है और इतने गंदे ऑपरेशन यही कर सकता है। फिर वो जापानी आदमी को बेहोश करता है और फिर वो जेनी को भी बेहोश करता है लेकिन लिफ्ट से अपनी दांतों की मदद से पट्टी खोल लेती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर वो एक रूम में जाती है और उसका डोर बंद कर लेती है लेकिन प्रोफेसर उस रूम के विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर लिट से वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो एक पुल में गिर जाती है। फिर यहाँ पर प्रोफेसर अपना गन लेके आता है कि तभी लाइट चली जाती है। फिर लिट से इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लगती है और वो सीधा लैब में आती है और जेनी को खोलने लगती है जो कि बेहोश होती है। वो उसे खींचते हुए बाहर आती है कि तभी प्रोफेसर उसे इंजेक्शन मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। वो उन्हें लैब में लाता है और अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उनके लिगामेंट को निकालता है और उनके दांतों को और जबड़ों को और फिर वो उनके हिप और मुंह को खाल को निकालता है और ये ऑपरेशन काफ़ी समय तक चलता है।
फिर कुछ दिन बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं और हम उनके बनाए हुए ह्यूमन सेंटीपीड को देखते हैं। यहाँ पर तीनों के जख्म अभी अच्छे से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। उसमें सबसे आगे वो जापानी आदमी, फिर लिट्से और फिर जेनी होती है। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन प्रोफेसर उनको खड़ा करके उनकी फ़ोटो क्लिक करता है। वो उनको पिंजरों में रखता और जानवरों जैसा सलूक करता और उसे जापानी को ऐसे खाना देता जैसे कि कुत्ते को दे रहा है। उनको बहुत टॉर्चर करता था। फिर उस जापानी आदमी को टॉयलेट जाना होता है, लेकिन उसका सारा वेस्ट मटेरियल लिट्से के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिट्से को उसे निगलना पड़ता है। फिर एक दिन प्रोफेसर उनका चेकअप करता है तो उसे पता चलता है कि जापानी आदमी तो एकदम ठीक है, लेकिन लिट्से को कब्ज हो गया है क्योंकि उस आदमी की वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और इधर जेनी के पास कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पहुँच पा रही थी, इसलिए वो कमज़ोर हो गई थी। प्रोफेसर जेनी की जगह चेंज करने का सोच रहा था कि तभी दरवाजे पर बेल बजती और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होते। वह पुलिस वाले लिट्से और जेनी को ढूंढने आए थे जो काफ़ी दिन से गायब थी और उनकी कार प्रोफेसर के घर से कुछ दूरी पर थी। प्रोफेसर कहता है कि वह एक डॉक्टर है और वह अपने कामों में इतना बिजी रहता है कि उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता और वह उन लड़कियों के बारे में भी नहीं जानता। प्रोफेसर पुलिस वाले से कुछ लेने के लिए पूछता। वह कहते हैं कि हमें कॉफ़ी पीनी है। फिर प्रोफेसर कहता है कि नहीं, तुम्हें बस पानी मिलेगा, जिससे कि पुलिस वालों को उस पर शक होता है। फिर वो प्रोफेसर पानी में वही दवाइयाँ मिलाकर ला रहा होता है। तब पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारे घर से लड़कियों की आवाज़ें सुनी गई हैं और तुम्हारी कार उस ट्रक के पास मिली जिसका ड्राइवर भी काफ़ी दिनों से गायब है। ये सुनकर वो उन पर चिल्लाता है और पानी पीने के लिए कहता है, जिससे कि वो गिलास फेंक देते हैं। और फिर वो प्रोफेसर टॉवल के बहाने इंजेक्शन लेने जाता है जिससे कि वह इन्हें बेहोश कर सके, लेकिन इस बार वह पकड़ा जाता है। और तब वह पुलिस वाले से कहता है कि आप बिना किसी वजह से किसी को परेशान नहीं कर सकते और बिना वारंट के तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, जिससे कि वह दोनों अपना वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। फिर वह अपने लैब में आता है, लेकिन उसे यहाँ पर तीनों दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वह तीनों छुप जाते हैं और एक सर्जिकल नाइफ से उसके पैर में मार देते हैं जिससे कि वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर जापानी आदमी अपने दांतों से प्रोफेसर के गले को काट लेता है। फिर ये तीनों ये सीढ़ियों से बहुत मुश्किल से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और उनके ऑपरेशन वाले एरिया से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर भी उनके पीछे आ रहा होता है। फिर जापानी आदमी शीशे को तोड़ देता है और एक टूटे हुए शीशे से अपना गला काट लेता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। वह घर में देखते हैं लेकिन कोई नहीं था। फिर वो लैब में भी जाकर देखते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता कि तभी एक पुलिस वाले को उस दवाई का नशा होना शुरू हो जाता है जो कि प्रोफेसर ने उसे पानी में मिलाकर दिया था। इधर दूसरे पुलिस वाले को वो तीनों मिल जाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। और फिर वो प्रोफेसर को पकड़ने के लिए जाता है जो कि एक पुल के पास बैठा था और उसका दूसरा साथी भी मारा गया होता है। फिर प्रोफेसर एक गन से पुलिस वाले को गोली मारता है और फिर पुलिस वाला भी उसको एक हेडशॉट मार देता है और फिर ये दोनों वहीं पे मर जाते हैं। यहाँ पर लिट्से और जेनी के अलावा सारे लोग मारे जाते हैं और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, मैं 100 लाइक कायम करता हूँ, अगर आपने इसे पूरा कर दिया तो मैं इस मूवी का सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा, सो प्लीज़ कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।